ओम महागणेशाय नमः स्वाहा। 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 प्रणाम प्रभु, प्रणाम। हे परम भक्त ऋषि कश्यप, देव माता देवी अदिति, आपके इस यज्ञ का परिणाम अवश्य शुभ होगा, परंतु कहते कहते आप रुक क्यों गए भक्त वत्सल परम देव श्री महागणेश? इस शुभ परिणाम को प्राप्त करने के लिए आपको कुछ युगों तक धैर्य पूर्वक प्रतीक्षा करनी होगी। ऐसा क्यों स्वामी? ऋषिवर, आप इस सत्य से अनजान नहीं हैं कि तारकासुर के जन्म के पश्चात ये युग दैत्य जाति के उत्थान का युग है। तारकासुर अपनी आराधना से ब्रह्मदेव को अवश्य प्रसन्न करेगा तथा वरदान भी प्राप्त करेगा। प्रिय पुत्र वधु, अर्थात? हाँ ऋषिवर, वरदान प्राप्त करने के पश्चात तारकासुर देवराज इंद्र को पतित कर स्वर्गलोक पर अधिकार कर लेगा। ऐसा अनर्थ ना करें श्री महागणेश। सृष्टि के नियमों को समझने का प्रयास करें देवी अदिति। धर्म की स्थापना तथा अधर्म के सर्वनाश के लिए दैत्य शक्ति जब तक चरम सीमा तक नहीं पहुंचेगी, उसका सर्वनाश कैसे होगा? परम देव, आप तो धैर्य की प्रतिमूर्ति हैं देवी अदिति। आपका उद्विग्न होना उचित नहीं। आप दोनों मेरी कृपा पर आश्वस्त रहें। कुछ समय पश्चात देवराज इंद्र को अपना खोया हुआ स्वर्गलोक पुनः प्राप्त होगा। सुख तथा सफलता पाने के लिए संकट, संघर्ष तथा कष्ट अनिवार्य है। परमदेव महागणेश, मेरी आपसे एक प्रार्थना है। दक्षपुत्री दीदी, हमें तुम्हारी प्रार्थना का ज्ञान भली भांति है, किंतु हम यहाँ तुम्हारे आह्वान पर नहीं पधारे हैं। इस कारण हम तुम्हारी प्रार्थना का उत्तर भी नहीं देंगे, किंतु महादेव शिव की चेतावनी का ध्यान रखना। यदि तारकासुर ने दुष्कर्म किए तो उसका अंत समय से पूर्व ही निश्चित है। मन में भक्ति की अलख जगाने वाली पूजा, श्री महागणेश की आज्ञा से शक्ति माता महारानी मैना के शरीर में प्रवेश करती हैं। श्री महागणेश नारद को धैर्य धारण करने का परामर्श देते हैं। कश्यप को प्रताड़ित कर दिति शुक्राचार्य के परामर्श से तारकासुर को ब्रह्म आराधना का परामर्श देती है। तारकासुर के भविष्य के लिए शिव दिति को सावधान करते हैं। तारकासुर की तपस्या से
उद्विग्न देवताओं द्वारा तप खंडन की आज्ञा मांगने पर देवराज इंद्र ने कहा, आज्ञा नहीं, हम स्वयं आपके साथ चलेंगे, चलो। नारायण नारायण। प्रणाम देवर्षि। देवराज इंद्र, जाने से पहले तारकासुर के संबंध में परमपिता ब्रह्मा जी का संदेश तो सुन ले। हम तारकासुर की तपस्या खंडित ना करें, इसके अतिरिक्त ब्रह्मदेव का और क्या संदेश हो सकता है? देवराज इंद्र, आपका स्वार्थ अनुमान लगाने की कभी भूल नहीं करता। नारायण नारायण। देव ऋषि नारद। गंग 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 गंग। आप सत्य को सुनकर उत्तेजित क्यों हो रहे हैं देवराज? किंतु क्यों, क्यों न जाएं हम तारकासुर की तपस्या खंडित करने? क्योंकि इसका परिणाम आपके हित में शुभ नहीं होगा। क्यों, क्यों शुभ नहीं होगा देवर्षि? त्रिदेव तथा महाशक्तियां सदैव दुष्टों का पक्ष क्यों लेती हैं? नारायण नारायण, अति उत्तम, सत्य कहा। इसी कारण तो आज आप देवराज हैं। देव ऋषि नारद, ये सत्य है देवराज, ये तो सत्य है। आपकी दुष्टता आपको स्वर्गाधिपति के सम्मानित पद पर एक क्षण भी न रहने देती। ये तो आपके माता पिता के सत्कर्मों का परिणाम है कि आप इस स्वर्गाधिपति के पद पर सुशोभित हैं। देवर्षि, हम ब्रह्मदेव का संदेश मानने को बाध्य नहीं है। नारायण नारायण। देवराज इंद्र, जब आप स्वयं अपने दुर्भाग्य को आमंत्रित करने के इच्छुक हैं, तो इसमें मैं कर भी क्या सकता हूँ? परमपिता ब्रह्मदेव का निर्धारित संदेश पहुंचाने का जो मेरा कार्य था वो पूर्ण हुआ। जय श्री महागणेश। तारकासुर की तपस्या खंडित करने का विचार त्याग देना ही उचित होगा। क्यों ना हम सब ब्रह्मलोक चलकर परमपिता से निवेदन करें कि वे तारकासुर को ऐसा वरदान ही ना दें जिससे देवताओं और स्वर्ग के सम्मुख कोई संकट उत्पन्न हो। आपने उचित परामर्श दिया है भगवान। ब्रह्मलोक चलें। देवराज इंद्र, यदि देवताओं के स्थान पर आप स्वयं देवगुरु बृहस्पति की पाठशाला में जाकर मर्यादा और अनुशासन की शिक्षा पुनः ग्रहण करें तो अधिक उचित होगा। परमपिता, चकित होने की आवश्यकता नहीं है देवराज। आप अपने आदरणीय देवऋषि पूज्य देवगुरु के अपमान का अवसर कदापि नहीं चूकते। इन पर संदेह करना आपका स्वभाव बन गया है। किंतु परमपिता, क्षमा मांगने के स्थान पर अपने अपराधों को ढकने का प्रयास ना करें आप। क्षमा परमपिता, क्षमा। देवगणों, हमें आपके यहां आने का कारण भलीभांति ज्ञात है, किंतु नारद ने जो कुछ भी कहा वही सत्य है। तारकासुर की तपस्या को भंग करने का प्रयास ना करें आप। ऐसी स्थिति में तो तारकासुर की तपस्या पूर्ण हो जाएगी परमपिता। तो उसमें अनुचित क्या है? जो भी व्यक्ति कर्म के प्रति निष्ठा और दृढ़ता का पालन करेगा उसका हर कार्य निश्चित ही पूर्ण होगा। किंतु परमपिता, तारकासुर वरदान पाकर अपने पितामही द्वितीय की मनोकामना पूर्ण करने के लिए सर्वप्रथम स्वर्ग पर आक्रमण करेगा। हम देवताओं पर एक कृपा करें परमपिता, आप तारकासुर को वरदान देने ही ना चाहें। आप सब हमारे कर्तव्यों की नई परिभाषा रचने का प्रयास कर रहे हैं। सच्चे मन से आराधना करने वाले को वरदान देना हमारा परम पावन कर्तव्य है। ऐसी स्थिति में हमारा क्या करना उचित होगा परमपिता? स्वर्ग की सुरक्षा के लिए आप सब भी आराधना और तपस्या को माध्यम बनाकर अपनी दिव्य शक्तियों का विकास करें। गणेशाय नमः स्वाहा। ओम
महागणेशाय नमः स्वाहा। ओम महागणेशाय नमः स्वाहा। ओम महागणेशाय नमः स्वाहा। ओम महागणेशाय नमः स्वाहा। ओम महागणेशाय नमः स्वाहा। प्रणाम प्रभु प्रणाम। हे परम भक्त ऋषि कश्यप, देव माता देवी अदिति, आपके इस यज्ञ का परिणाम अवश्य शुभ होगा, परंतु कहते कहते आप रुक क्यों गए भक्त वत्सल परम देव श्री महागणेश? इस शुभ परिणाम को प्राप्त करने के लिए आपको कुछ युगों तक धैर्य पूर्वक प्रतीक्षा करनी होगी। ऐसा क्यों स्वामी? ऋषिवर, आप इस सत्य से अनजान नहीं हैं कि तारकासुर के जन्म के पश्चात ये युग दैत्य जाति के उत्थान का युग है। तारकासुर अपनी आराधना से ब्रह्मदेव को अवश्य प्रसन्न करेगा तथा वरदान भी प्राप्त करेगा। प्रिय पुत्र मधु, अर्थात? हाँ ऋषिवर, वरदान प्राप्त करने के पश्चात तारकासुर देवराज इंद्र को पतित कर स्वर्गलोक पर अधिकार कर लेगा। ऐसा अनर्थ ना करें श्री महागणेश। सृष्टि के नियमों को समझने का प्रयास करें देवी अदिति। धर्म की स्थापना तथा अधर्म के सर्वनाश के लिए दैत्य शक्ति जब तक चरम सीमा तक नहीं पहुंचेगी, उसका सर्वनाश कैसे होगा? परमदेव, आप तो धैर्य की प्रतिमूर्ति हैं देवी अदिति, आपका उद्विग्न होना उचित नहीं। आप दोनों मेरी कृपा पर आश्वस्त रहें। कुछ समय पश्चात देवराज इंद्र को अपना खोया हुआ स्वर्गलोक पुनः प्राप्त होगा। सुख तथा सफलता पाने के लिए संकट, संघर्ष तथा कष्ट अनिवार्य है। परमदेव महागणेश, मेरी आपसे एक प्रार्थना है। दक्ष पुत्री दीदी, हमें तुम्हारी प्रार्थना का ज्ञान भली भांति है, किंतु हम यहाँ तुम्हारे आह्वान पर नहीं पधारे हैं। इस कारण हम तुम्हारी प्रार्थना का उत्तर भी नहीं देंगे, किंतु महादेव शिव की चेतावनी का ध्यान रखना। यदि तारकासुर ने दुष्कर्म किए तो उसका अंत समय से पूर्व ही निश्चित है। गणेश की आराधना में कश्यप अदिति पुनः लीन हो गए, जिनकी आराधना से समस्त जगत को मनोवांछित फल प्राप्त होता है। और अश्विन शुक्ल तृतीया के परम पावन दिन शक्ति स्वरूपा जगदम्बा ने हिमालय मैना की पुत्री के रूप में मानवीय अवतार धारण किया। Thank you.
महारानी। महारानी, आज हम बहुत प्रसन्न हैं महारानी। पर्वतराज हिमालय की पुत्री का नाम पार्वती होना स्वाभाविक ही था। स्वामी, पार्वती के आने से हमारे जीवन में कितना आनंद आ गया है ना? आप सत्य कह रहे हैं महारानी, किंतु हमारी राजकुमारी है कहाँ? पिताश्री, आओ पार्वती, आओ, आओ पुत्री, बैठो। शुक्ल पक्ष के चंद्रमा की भांति समय के साथ देवी पार्वती पूर्ण युवती बन गई। महारानी, पुत्री पार्वती कहाँ है? हिमालय पर्वत के हिम शिखरों पर अपने सखियों के साथ न जाने क्या खोजती रहती है। ये आयु ही ऐसी है महारानी, इस आयु में मनुष्य जितना देख पाता है उससे भी अधिक देखने की जिज्ञासा में भटकता रहता है। प्रणाम माताश्री। प्रणाम पिताश्री। सदा सुखी रहो पुत्री। पुत्री पार्वती, तुम दिन दिन भर कहां भटकती रहती हो? तुम्हारे लिए तुम्हारी माता श्री कितनी चिंतित रहती हैं। माता तो पुत्री के लिए सदा ही चिंतित रहती है, किंतु सत्य तो यह है पिताश्री कि मैं असीम शांति को हिमालय के हिम शिखरों पर खोजती रहती हूँ। पुत्री, तुम्हें वन के भयानक पशुओं का भय नहीं लगता? तनिक भी नहीं माता। मेरी तो इच्छा होती है कि मैं वनराज सिंह पर सवारी करूं। पुत्री पार्वती, परम देव श्री महागणेश की कृपा से तुम्हारी ये इच्छा भी अवश्य पूर्ण होगी। समस्त चराचर विश्व को वरदान देने वाले परम देव श्री महागणेश परम दयालु हैं। वे अवश्य मेरी इच्छा पूर्ण करेंगे। पिताश्री, इस समय मैं आपके समीप श्री महागणेश के पूजन की आज्ञा ही मांगने आई थी। पुत्री, परम देव श्री महागणेश की पूजा के लिए आज्ञा कैसी? परम देव श्री महागणेश का नियमित पूजन तो हर जीव का नैतिक कर्तव्य है। आज्ञा दे माता श्री। अवश्य जाओ पुत्री। परम देव श्री महागणेश का स्मरण करने वाले का सदा ही कल्याण होता है। क्या हुआ स्वामी, आप यकायक गंभीर क्यों हो गए? महारानी मैना, क्या आपको अपनी युवा पुत्री पार्वती को देखकर चिंता नहीं होती? स्वामी, हर कन्या के माता पिता को अपनी पुत्री के भविष्य की चिंता होती है, किंतु सत्य कहूं तो मुझे पार्वती को लेकर तनिक भी चिंता नहीं है। अर्थात? स्वामी, पार्वती जैसी योग्य रूपवती और सुशील कन्या से विवाह करने के लिए तो
संसार के सर्वश्रेष्ठ युवक भी लालायित होंगे। आपका कथन पूर्ण सत्य है महाराणा, किंतु माता पिता का कर्तव्य हमें शीघ्र ही पुत्री पार्वती की इच्छाओं को पूर्ण कर सकने में सक्षम योग्य वर की खोज प्रारंभ कर देनी चाहिए। नारायण नारायण। प्रणाम। प्रणाम। आपका कल्याण हो महाराज हिमालय एवं महारानी मैना। मैं ना जाने कब से आपको पुत्री जन्म की बधाई देने के लिए उत्सुक था, और इसी उत्सुकता में आपकी तेजस्विनी पुत्री पार्वती विवाह के योग्य भी हो गए। आप उचित समय पर पधारे देवर्षि, हम पार्वती के विवाह पर ही विचार कर रहे थे। देवर्षि, परमदेव श्री महागणेश की कृपा से इस संसार का कोई भी रहस्य आपके लिए रहस्य नहीं। कृपया करके पार्वती के योग्य वर प्राप्ति में हमारा मार्गदर्शन करें। नारायण नारायण। सत्य तो यही है हिमाचल राज हिमालय कि मैं इस समय परमदेव श्री महागणेश की आज्ञा पाकर इसी उद्देश्य से यहाँ प्रकट हुआ हूँ, किंतु देवी पार्वती हैं कहाँ? देवर्षि, पुत्री पार्वती तो परमदेव श्री महागणेश की नियमित पूजा के लिए गई है। नारायण नारायण। इसका अर्थ तो ये हुआ महाराज हिमालय कि सदा स्थिर रहने वाला नारद आज स्थिर होकर देवी पार्वती की प्रतीक्षा करेगा, और आज वो अपने ज्योतिष ज्ञान से देवी पार्वती का भविष्य अवश्य बताएगा।